सो ये मेरा थर्ड ब्लॉग है और आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि आज के ब्लॉग में हम आपको कहाँ लेके जा रहे हैं, तो वीडियो को देखते रहिए। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं अपने दोस्तों के साथ विश्वनाथ एग्रीकल्चर कॉलेज जाने वाला हूँ। तो और मेरे साथ मेरे दोस्त लोग हैं, तो ये आगे देख सकते हैं मेरे दोस्त लोग हमें खड़ा है। से हाय दोस्तों। तो हम सब लोग अभी जाने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, अभी हम लोग निकल रहे हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ। तो हमने बाइक चेंज कर लिया, अभी मैं इसके साथ जाऊंगा। तो चलो। सो फाइनली गाइस, हम लोगों ने विश्वनाथ एग्रीकल्चर कॉलेज में एंट्री कर लिया। और कसम बता रहा हूँ यार, यहाँ का जो कॉलेज कैंपस है ना, बहुत ही सुंदर है। आप बहुत जल्दी मतलब नेचर के साथ कनेक्ट हो पाओगे। मुझे तो फॉरेन कंट्री जैसा फीलिंग्स आ रहा है हमें। और वो जो बिल्डिंग देख रहा है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, हम लोग उधर भी जाने वाले हैं। तो प्लीज़ देखते रहिए वीडियो को अच्छे से, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और गाइस, ये जो कॉलेज है ना, पढ़ाई करने के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट एकदम कूल है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। और ये जो रास्ता है ना, यहाँ से हम एक बार आ चुके थे पहले भी, और अभी हम लोग जाएंगे कैंटीन की तरफ। और ये रहा आपका कैंटीन, वो पेंडल दिख रहा है आपको, वही है कैंटीन। सो अभी गाइस, हम कुछ फोटोज़ वगैरह क्लिक करेंगे, उसके बाद दूसरे लोकेशन पर जाएंगे। तो चलिए। सो फाइनली हमने फोटोज़ वगैरह क्लिक कर लिया, और अभी हम लोग ऑडिटोरियम की तरफ जाएंगे। तो वो रहा है ऑडिटोरियम, और मैं आपको फ्रंट से दिखाऊंगा। वाह, क्या व्यू है गाइस, ऐसा लग रहा है कि किसी दूसरे देश में आ चुके हैं हम लोग। तो कुछ फ्रंट से कुछ इस तरह दिखता है, ये है ऑडिटोरियम। और ये दोनों को देखो, ये जो रास्ता दिख रहा है आपको, ये बोस हॉस्टल का रास्ता है। इधर से आप बोस हॉस्टल जा सकते हैं, और इधर से आना जाना चलता रहता है बोस का। तो अभी थोड़ा मैं पैदल चलकर आप लोग को यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है वो दिखाता हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसा लगता है। सो फ्रंट से कुछ इस तरह दिखता है यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है। पूरा तो सामने नहीं जा सके हम लोग, दूर से ही दिखाया। और अभी थोड़ा लाइब्रेरी की तरफ भी जाते हैं और देखते हैं कैसा लगता है यहाँ का लाइब्रेरी। तो ये रहा। और ये जो कॉलेज है, ये टोटल 174 हेक्टर लैंड में फैला हुआ है। तो ये जो विश्वनाथ कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है, ये 2 फरवरी 1988 में एस्टेब्लिश हुआ था, और ये आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंडर में पड़ता है। अगर आप में से कोई भी यहाँ में पढ़ना चाहते हैं, तो आपको साइंस बैकग्राउंड से होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ में साइंस बैकग्राउंड से होने से ही सिलेक्शन होता है। और यहाँ में बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, आसाम के बाहर से भी आते हैं। और ये है यहाँ का हर्बल गार्डन, और यहाँ में आपको बहुत सारे पेड़ देखने को मिलेंगे, विभिन्न प्रजाति के पेड़ देखने को मिलेंगे, और हर एक पेड़ पर नाम लिखा हुआ रहता है। मैंने पहली बार यहीं पर ही रबड़ का पेड़ देखा था। एंड फाइनली हम लोग कॉलेज के एग्जिट गेट तक पहुंच गए, और अभी हम यहां से निकलने वाले हैं। सो आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आज का ये ब्लॉग आप सबको पसंद आया होगा, तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना और अच्छे अच्छे कमेंट करना। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नए दूसरे ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा।